गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का अपना अगला लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है अपना अपना काम। तो पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा नगर था अभयपुरी। एक दिन वहाँ के राजा के मन में नौका विहार करने का विचार आया। राजा अपने साथ अपने एक विश्वस्त पात्र मंत्री को भी नौका विहार के लिए लेकर चले। एक बड़ी सी सजी धजी नौका पर सवार होकर वे निकले। नौका पर कुल 4 लोग थे, राजा, उनके मंत्री और 2 नाविक। दोनों नाविक नाव को खेते जा रहे थे। सभी को बहुत आनंद आ रहा था। तो नौका नदी में आगे बढ़ती जा रही थी। शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। राजा तथा मंत्री ने आंखें मूंद कर शीतल हवा का मजा ले रहे थे। तो नाविकों ने सोचा कि राजा और मंत्री सो रहे हैं। उन्हें सोया देखकर जानकर नाविक आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, दूसरे नाविक से कहा, देखो ईश्वर का कैसा न्याय है, हमारी तरह से ये मंत्री जी भी तो राजा के सेवक ही तो हैं, लेकिन हम दोनों यहाँ धूप में पसीना बहा रहे हैं और ये आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे राजा को परवाह कहाँ है। दूसरे ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राजा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन वे सोए नहीं थे। उन्होंने नाविकों की बात सुनी और लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद राजा ने आंखें खोली और थोड़ी ही दूरी पर एक टापू दिखाई दिया। राजा ने नाव को टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। तो राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगे। थके हुए नाविक भी खा पी कर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अचानक राजा को वहाँ से कुछ आवाज़ें आती सुनाई पड़ी। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, जरा जाकर पता लगाओ कि ये आवाज़ें किसकी हैं। राजा की आज्ञा पाकर नाविक तुरंत उस ओर भागा और जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो कुछ देर बाद वह लौटकर आया और राजा से बोला, महाराज, यहाँ कुतिया के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे हैं। तो कितने पिल्ले हैं, नाविक राजा से पूछा। नाविक चुप रहा क्योंकि उसने गिनती तो की ही नहीं थी। तो वह उल्टे पांव भागा और दौड़ते हाँफते वापस आकर बोला, महाराज, 5 पिल्ले हैं। तो राजा ने फिर पूछा, उनमें से कितने नर और कितने मादा हैं। नाविक चकराया क्योंकि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह फिर दौड़ता हुआ झोपड़ी की ओर गया और आकर हाँफते हाँफते बोला, महाराज, पिल्लों में 2 नर और 3 मादा हैं। तो राजा ने फिर पूछा, नाविक, पिल्ले किस रंग के हैं, काले सफ़ेद या भूरे रंग के। नाविक मुसीबत में पड़ गया, उसने तो उसका ध्यान ही नहीं रखा था। अब राजा ने पूछा है तब उत्तर तो देना ही होगा। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ झोपड़ी की ओर गया और लौटकर बोला, महाराज, 2 पिल्ले काले रंग के और 3 भूरे रंग के हैं। तो राजा ने इसके बाद नाविक से और कुछ नहीं पूछा। वे नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब उन्होंने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, वहाँ झोपड़ी के पास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जरा जाकर इस बारे में पता तो लगाइए। तो राजा की आज्ञा पाकर मंत्री जो झोपड़ी की तरफ चल दिए थे, वे थोड़ी ही देर बाद लौट आए और बोले, महाराज, झोपड़ी के पीछे कुतिया के पिल्ले आपस में लड़ रहे हैं और उन्हीं की आवाज़ें आ रही हैं। कितने पिल्ले हैं, राजा ने पूछा। 5, मंत्री ने झट उत्तर दिया। उनमें से कितने नर हैं, कितने मादा, राजा ने पूछा। 2 नर और 3 मादा, महाराज, मंत्री ने कहा। राजा ने फिर पूछा, पिल्ले किस रंग के हैं। तो महाराज, 2 काले रंग के हैं, 3 भूरे रंग के हैं, लेकिन उनकी माँ का रंग काला है। झोपड़ी में एक मछुआरे का परिवार रहता है, ये उसी के पालतू कुतिया के पिल्ले हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम्हें 4 बार झोपड़ी तक गए, तुम्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, और देखो मंत्री जी एक ही बार जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली।
तो अब समझे कि मनुष्य होते हुए भी सबके सब एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक रूप से परिश्रम कर सकता है तो कोई मानसिक, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। इसलिए जिस तरह तुम मंत्री का कार्य नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मंत्री जी भी तुम्हारा कार्य नहीं कर सकते। इसमें न्याय अन्याय की कोई बात नहीं है। तो नाविकों ने को राजा की सारी बात समझ आ गई और वे समझ गए कि मनुष्य मनुष्यों के लिए काम उन्हीं के काम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चलो देखो।